कठो नाला बनिया या कदी रोड आला उसी थले बह बाई तो ऊपर जनाब ने सारी रेत अखी नाल नहीं दसी इतने कि दसी है ठेकेदार आज तक काम किन्ने चिर बाद आई जिन तक इतने मौके ना आया ये ना पता कि मरे मोहन का कसम ऐसे दे कि मरी मेरी ब्लैकलिस्ट की करा था और मेरी मेरी पेमेंट ही स्टॉप करा था और मैं बरबला आखने है सारे और मैं बरबला आखने है सारे गाड़ी कसम है मैं बंद कर दिया क्या इस वाक्य के ऐनी शाहिदीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। उन्होंने कॉल किया हमें, हम यहाँ से गए हैं तो अभी बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने वो लातें वगैरह मार रही हैं। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्यों रिएक्शन नहीं किया? बस सर जी, हम आ गए वापस और कोई बंदे और सारे बैठे हुए थे, मल्ले वाले काफ़ी सारे बैठे, कोई नहीं बोला हम वापस। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपका फेसबुक पेज है, जो फेसबुक के ऊपर आप उसको लाइव ले रहे हैं, ठेकेदार को हम किसी सूरत में, हमने तो ये दो टोक फैसला किया है कि इस्लामाबाद में उसके जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जब तक ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट नहीं होगा किसी एक प्रोजेक्ट में भी हूँ कि यहाँ पे लोग जो है यकीन करें कि जितना भी बंदा कोई काम करे, तो ऐसे मनफी सोच के जो आदमी होते हैं वो काम में। मैं बात ये चीज़ चाहता हूँ कि अगर इलाके का वाइस चेयरमैन होने के नाते आज अगर वो डाउन बन चुका है हमारे लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा उसके पास काम लेकर जाएगा तो वो क्या यही तरीका कार अख्तियार करेगा पीटीआई के? मैं खास करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं लेबर न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पिंडोड़िया में। यहाँ एक जो वाक़या पेश आया है कोई दो दिन कबल, जो है ना यहाँ के जो UC 21 है सुहान की, ये जो पिंडोड़िया इलाका है इसके जो वाइस चेयरमैन है सुहेल सत्ती साहब, उन्होंने एक मीटिंग के दौरान जो इश्तियाक अब्बासी साहब हैं जिन्होंने चंद दिन कबल जो है ना वो ये जो सेवरेज डर रही है यहाँ 18 नंबर 12 के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि यहाँ टूटे हुए पाइप हैं या ये पाइप ठीक नहीं है, लिहाजा इनको बेहतर तरीके से किया जाए। उस मीटिंग के दौरान जो यहाँ के वाइस चेयरमैन है सुहेल सत्ती साहब ने, उन्होंने जो इश्तियाक अब्बासी साहब हैं उनके ऊपर हमला किया है, उनको लात मारी है। तो इसीलिए हम इनके पास आए हैं कि ये असल वजह क्या है, ये मामला क्यों पेश आया। मेरे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अब्बासी साहब से, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, शुक्रिया। अच्छा अब्बासी साहब, ये बताए कि ये जो मामला हुआ है, ये दो दिन कबल जो मामला हुआ, ये क्या मामला हुआ है, आप थोड़ा सा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताएँ। मामला असल में ये हुआ है कि मुझे फैसल कुरैशी के भाई ने फ़ोन किया है कि इश्तियाक अब्बासी साहब, आपने जो वीडियो पाइप टूटे हुए थे वो आपने सोशल मीडिया पे लोड की है, वायरल हुई है, लिहाजा हमने चेयरमैन साहब को बुलाया हुआ है। मुझे ये बात करके चेयरमैन साहब का कहा कि चेयरमैन साहब को बुलाया हुआ है तो आप मेहरबानी करें आ जाए। मैं वहाँ पर चला गया हूँ, मलिक आमिर साहब, उनका कहना था मलिक आमिर साहब आए, मलिक आमिर साहब, उन्होंने मुझे सिर्फ चेयरमैन साहब का बुलाया। वहाँ पर जब मैं पहुँचा हूँ तो आगे बैठा हुआ था सुहेल सत्ती, इमरान और हसान सत्ती, बीच में इफ्तिखार सत्ती साहब भी थे और भी बहुत से मतलब 8-10 बंदे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे बैठे हुए थे, मैंने जब उनसे जाकर बैठा हूँ सबसे हाथ मिलाया, यहाँ से मेरे साथ 8-10 बंदे भी गए, लड़के भी गए मेरे साथ वहाँ पे जब हम लोग बैठे हैं जाकर बैठकर जो ही मैंने कहा जी चलो जी सुहेल सत्ती का मौक़ तो हमें रिकॉर्ड कर लूँ कि ताकि ये मुझे पता चल जाए कि भाई सुहेल सत्ती कर क्या रहा है, करेगा क्या। ठीक है, जब ये बात मैंने की वीडियो ऑन आप बराए रास्त कर रहे थे, रिकॉर्डिंग बराए रास्त कर रहे थे? बिल्कुल, मैंने वीडियो इस तरह ओके मोबाइल ऑन करके सामने रखकर मैं ऑन कर रहा था जिसमें क्लियरली सुहेल सत्ती साहब की तस्वीर। मैं ये लाइव आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपका फेसबुक पेज है, ये फेसबुक के ऊपर आप उसको लाइव ले रहे? नहीं नहीं, लाइव नहीं ले रहा था मैं वीडियो। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सिर्फ रिकॉर्डिंग थी? रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उस पर एक मिनट में वो खड़ा हुआ और उसने मतलब मोबाइल को भी मुझे लात, बल्कि मुझे लात तो उसने मारी, मारने के बाद मुझे कहता है कि यार जो कुछ करना है कर लो, मैं देख लूँगा। और मुझे इतनी मतलब गलत धमकियाँ दी, उसने गाली गलौज भी किया, गाली गलौज करने के बाद और उसने धमकियाँ भी मुझे दी। ठीक है, मैं बात ये चीज़ चाहता हूँ कि अगर इलाके का वाइस चेयरमैन होने के नाते आज अगर वो डाउन बन चुका है हमारे लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा उसके पास काम लेकर जाएगा तो वो क्या यही तरीका कार अख्तियार करेगा पीटीआई के? मैं ख़ास करके पीटीआई के जो हैं वज़ीर आज़म हैं, मैं उससे भी ये बात करता हूँ कि आपने खुद
कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर आप एक्टिव हो जाए, ठीक है। जब सोशल मीडिया का अगर एक्टिव खुद कर रहा है तो इसके ऊपर उसके चेयरमैन को उसकी चोरी पकड़ी जा रही है। आपने गलत सुना होगा, उन्होंने जो सोशल मीडिया एक्टिव के लिए कहा था वो नून लीग के खिलाफ के लिए कहा था, और जो है ना उन्होंने ये कहा था कि अगर नून लीग की कोई खामी है तो उसे सामने लेके आए, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारी खामियाँ बताएं। भाई जान देखे ना, खामियाँ तो ये चीज़ आपको एक बात बता देता हूँ कि उनको अपनी भी खामियाँ तो पता ही होनी चाहिए ना कि हमारे जो वाइस चेयरमैन है वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस अंदाज से। या तो वो अपनी चोरी छुपाने के लिए ये मेरे साथ ये किया है कि ये आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। अब ये कल इन्होंने एक वीडियो बनाई है, अपलोड किया है उस पर फेसबुक पे, कहते हैं कि जी हमारी पर्सनल मीटिंग थी पीटीआई की, जबकि वहाँ पे पर्सनल मीटिंग नहीं थी, वो सेवरेज के लिए बुलाई गई थी, सेवरेज के सिलसिले के लिए। मैंने जब वीडियो आपने पहले मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने वो वीडियो वो भाई वायरल हुई है, उसके ऊपर भी इन्होंने एक्शन लिया। मैं बार बार इनको फ़ोन करके कहता रहा। इससे कबल भी एक जो है ना दोस्त हैं यहाँ के, उनके ऊपर भी हमला किया गया है, उनको भी मारा, सिर्फ इस सेवरेज के मसले पे ना, इसके ऊपर वो जो मैन होल नहीं जो बना रहे थे वगैरह वगैरह, इसके ऊपर हम आए थे, खुद आए थे, और उसके ऊपर भी हमला किया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसे जो है ना वो जद्दोकोब किया गया। जो लोग हैं यहाँ के जो ठेकेदार वगैरह जो उनके मजदूर हैं, तो जद्दोकोब जो है ना वो करवाया गया बाकायदा। तो उसके बाद ये दूसरा मामला पेश आ रहा है, दूसरा वाक्य है। तो क्या ये यहाँ के जो लोग हैं, अवाम है, वो कोई आवाज़ नहीं उठाती या आगे खड़े नहीं होते, क्या वजह है? बात ये चीज़ है कि यहाँ की अवाम बेचारी डर रही है, गरीब है, मजदूर टाइप के लोग हैं, ठीक है। ये हैं माफिया, ये है माफिया, मैं इसको माफिया कहूँगा, कि जो इस अंदाज से बात कर रहे हैं, अगर ये लोग आज निकल जाए भाई, तो मैं ये बात इनको आज पिंडोरिया के आवाम को ये बात कहता हूँ, क्या जो उन्होंने मेरे साथ ज्यादती नहीं की, ये पिंडोरिया के पूरे इलाके के साथ ज्यादती की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आया ये वाक़या कैसे पेश आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका, इधर आ गया? ममरेज। अच्छा ममरेज साहब, ये बताएं कि ये जो इश्तियाक अब्बास साहब के साथ पेश आया है वाकया, इसके बारे में आप इसके ऐनी शायद हैं, ये बताएं ज़रा ये कैसे पेश आया वाकया? जी जी सर, हम उन्होंने कॉल किया हमें, हम यहाँ से गए हैं तो अभी बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने वो लातें वगैरह मार रही हैं हमें। अच्छा, हम हालांकि वीडियो सिर्फ बना रहे थे, हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई, किसी टॉपिक पर बात नहीं हुई। अच्छा। और लगे हुए थे, बातें कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा जी वीडियो क्यों बना रहे हो। चले चलें ठीक, आप आए जी आप। नाज़रीन हमारे साथ एक और ऐनी शायद मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि आया इस वाक़े के अंदर कितनी हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? सोहेल। अच्छा सोहेल साहब, ये बताएं कि ये जो वाक़े पेश आया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आप इसके ऐनी शायद हैं, ये कैसे पेश आया वाक़े? सर जी, हम गए हैं इधर से, उधर जाके खड़े हुए हैं, बाजी साहब ने वीडियो थोड़ी सी बनाई है, और सोहेल सती साहब उठ के उन्होंने लातें मारना शुरू हो गए। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्यों रिएक्शन नहीं किया? बस सर जी, हम आ गए वापस, और कोई बंदे और सारे बैठे हुए थे, मल्ले वाले काफ़ी सारे बैठे, कोई नहीं बोला, हम वापस आ गए। अच्छा ठीक, शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, हमने यहाँ पे इश्तियाक अब्बास साहब से भी बात की, उनके साथ जो ज्यादती हुई है उस पर बात की, और यहाँ के जो ऐनी शाहिदीन है हमने उनसे भी बात की है। इश्तियाक अब्बास साहब का कहना है कि हम वहाँ पर जो जब मीटिंग हुई तो मुझे बुलाया गया, जब मुझे बुलाया गया तो मैं गया, मेरे साथ कुछ लोग भी थे, और मैंने जब वीडियो बनाई इस मीटिंग की, मीटिंग के लिए बुलाया गया था, उस मीटिंग की जब वीडियो बनाई तो मुझे जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं सोहेल सत्ती साहब ने, उन्होंने मुझे लातें मारी, जिसकी वजह से जो बदमजगी पैदा हो गई और मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद मैंने मलिक आमिर साहब को भी फ़ोन किया, लेकिन वो मेरे तीन बार कॉल करने के बावजूद यहाँ पर नहीं आए। और मेरी गुजारिश है जो जो तहरीक इंसाफ के आला जो अहदेदारान है, मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए, क्योंकि अगर मुझे इंसाफ ना दिया गया तो मैं जो जो और जो FIA व दीगर जो अदारे हैं वहाँ मैं जाने का अपना हक महफूज रखता हूँ। नाज़रीन, इस मामले के ऊपर हम जो सोहेल सत्ती साहब हैं, जो यहाँ के वाइस चेयरमैन हैं, यहाँ के एहसान जो एहसान सत्ती साहब हैं, और जो मलिक आमिर साहब हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि हम उनका भी मौकफ ले सकें। आइए मेरे साथ चलते हैं। ठेकेदार
सुहेल सती साहब, ये बताइएगा कि अब जो मामला हो गया ठीक है, इसके बाद उन लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ कोई कदम उठाया हो या आपकी तरफ से कोई फ़ोन गया हो इसके लिए माजरत के लिए या कोई ऐसा कोई मामला हुआ उसके बाद? मैंने जो अपना मौक़ देना था वो मैंने अपने वीडियो पैगाम में दे चुका हूँ, ठीक है, वो आप देख रहे हैं फेसबुक। आमिर भाई से कोई बात हुई? हुई है, आमिर भाई से बात हुई है, अली भाई से भी बात हुई है। हमने कहा कि ठेकेदार को हम किसी सूरत में, हमने तो ये दो टोक फैसला किया है कि इस्लामाबाद में उसके जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा किसी एक प्रोजेक्ट में भी उसको पेमेंट लेने नहीं देंगे। और ये आवाम से वादा है कि काम एक नंबर होगा और इंशाल्लाह जितने काम होंगे एक नंबर होंगे और होंगे काम। आपकी तरह नहीं, झूठे वादे हम नहीं करते, जो वादे किए हैं आवाम से वो पूरे कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं, साथ हमारे अभी तशरीफ़ लाए हैं, ये उसी 18 नंबर टूवेल पे थे, इनके पास टाइम नहीं था तो अभी ये आए हैं, तो इनसे भी हम मौक़फ़ ले लेते हैं। इमरान गौर अब्बासी साहब, ये इनसे भी हम पूछेंगे कि ये यहाँ के फोकल पर्सन हैं और ये जो 18 नंबर टूवेल पर जो काम हो रहा है, जो ये सेवरेज का, इसकी ये पूरी जो देखभाल जो कर रहे हैं वो ये गौर साहब ही कर रहे हैं, तो इनसे भी पूछेंगे कि आया ये जो काम हो रहा है ये किस नौयत को हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। गौर साहब कैसे हैं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मामला हुआ इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और जो काम हो रहा है वो किस नौयत को हो रहा है, क्यों आखिर जो आपने चेंज करवाए, ये जो पाइप वगैरह दोबारा डलवाए, ये क्या वजह पेश आई कि ये पाइप आपको जो है ना चेंज करवाने पड़ गए? चौहान साहब, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। मैं खुद पहले नून लीग का वर्कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से वार्ड नंबर 5 से टिकट भी मिला था, ठीक है, मैं इलेक्शन नहीं मैंने लड़ा, क्योंकि इसकी 2-3 बुनियादी वजह हैं कि पहले हमने एक यहाँ से सीवरेज का नाला बनाया था, लेकिन चंद लोगों की वजह से वो नाला कामयाब नहीं हो सका। तकरीबन जो 200-300 घर है वो, यानी उन लोगों ने बड़ा सफ़र किया, 3 साल तक आप जाएं मस्जिदों में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी। आप मेरे साथ एक एक गली का विज़िट करें, एक एक औरत बच्चे से मिलें, कारी साहबान से मिलें, ठीक है। मैं बारहा गया नून लीग के पास कि मैंने कहा काम करें, जिसके मेरा बुनियादी वजह से मैंने नून लीग को छोड़ दिया। फिर मैं PTI में शामिल हुआ, जिसके मैं वाइस चेयरमैन सुहेल सती साहब हैं, शान साहब हैं, मलक आमर साहब ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि आप वर्कर बंदे हैं इधर आ जाएं। मैंने पूरे अपने आले इलाका की यानी कि खिदमत के लिए इधर आया। उसके बाद मैं लोगों से मिला, ये मुझे अच्छे लगे, ये क्योंकि काम करवाने वाले थे, मैंने इनके साथ मिल के काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने जो इलाके की महरूमी थी 18 नंबर ट्यूबवेल में, आप मेरे साथ एक एक गली में जाएँ, लोगों के तासरात लें कि यार इन्होंने, इमरान गौर ने इस इलाके के लिए क्या किया। मैंने वहाँ पे बिजली लगवाई, गैस लगवाई, पानी के कनेक्शन लगवाए, हर काम मैंने वहाँ पे किया। जब PTI में आप शामिल हुए उसके बाद? उससे पहले भी। मेरी आदत है कि मैं काम के लिए लड़ पड़ता हूँ, काम करवाता हूँ, मैं खुशामदी नहीं हूँ, मैं चमचा नहीं। सही है। मैंने जब जी अपने भाई से, सुहेल सती साहब चेयरमैन हैं, जो मलक आमर साहब, अली वान साहब, जिन्होंने हमारे लिए यानी कि रिकॉर्ड हमें जो फंड दिया, ठीक है, उन्होंने हमें फ़ंड दिया, तो मैंने कहा जी कि हमारा ये मसला है, इसको आप हल करें। इन्होंने कहा जी कि हमने 3.5 करोड़ का इधर आपको प्रोजेक्ट दे दिया है। मैंने कहा जी उससे हमें कोई नहीं, हमें क्योंकि गंजान आबादी है, लोगों को बड़ा मसला है, इसके लिए आप हमें फंड दें। बड़ी यानी कि तक दो के बाद मलक आमर साहब, सुहेल सती साहब ने हमें वहाँ से फंड रिलीज़ किया। हमने जब वहाँ पे काम शुरू किया, मैंने अहले मला के लोगों को इकट्ठा किया, उनकी मशावरत की, जो सुहेल सती साहब ने कमेटी बनाई वो मेरी मशावरत से बनाई। मैंने कमेटी को कहा कि कोई काम भी होगा आपकी मर्जी से, हमारा ठेकेदार रिश्तेदार नहीं, सही हो गया, ठीक हो गया जी, उसने कहा यहाँ से चले जाना है। हमने अगर अच्छा काम करवाना है तो हमें लोग अप्रिशिएट करेंगे, अगर हमने बुरा करवाया तो हमें नहीं करेंगे। हमारे जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, जो अली वान साहब हैं, इन्होंने हमें कहा कि कोई भी गलत काम हो आप उसको रोक दें, ठीक है, आपने वहाँ से काम आगे नहीं चलने दें।
अच्छा नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर एहसान सत्ती साहब और यहाँ के जो वाइस चेयरमैन हैं सुहेल सत्ती साहब, उनसे हमने मौकफ़ लिया। उनका कहना यही है कि जो अगर ये जो मामला हुआ है ये इंतहाई जो है ना गुस्से की हालत में हुआ है, वो जो मामलात बार बार उछाले जा रहे थे, अगर कोई भी होता, उनका ये कहना है कि अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही जो है ना वो मामला करता, क्योंकि वो बार बार उकसाया जा रहा था और वो जो जो हमारी जो मीटिंग थी वहाँ की लोकल, हमारी जो मीटिंग थी उसके अंदर जो एक पार्टी नहीं थी, उसके अंदर जो है ना तीन चार पार्टियाँ इकट्ठी थी और सबको हमने बुलाया था ताकि प्रॉपर काम हो सके। उस मीटिंग के दौरान वो आए और उनको हमने बड़ी इज्जत के साथ वेलकम किया, लेकिन उन्होंने आते ही जो ना वीडियो बनाने शुरू की और उस छुपकर, उनका कहना है कि छुपकर जो वीडियो बनाने शुरू की, जिसकी वजह से जो है ना हम हाइपर हो गए और हमसे ये काम हो गया है। तो ये ऐसे लोगों को जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि जो भी मामला था, नाज़रीन हम अपनी जगह यही कहेंगे कि दोनों जो लोग हैं यही पिंडोड़िया के हैं, इसी इलाके के हैं, तो कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए कि आपस में कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ का हल नहीं है, आखिर जो है ना टेबल टॉक ही होनी है। तो बेहतर यही है कि इन मामलात को खुद ही जो है ना आपस में बैठकर हल किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगेबान। इन बंद करो फिर तुम आ जाओ।